गरीब लोगों का खाद्यान्न बेचने जा रहा था सेल्समैन, पुलिस ने धरा। लुकवासा पुलिस ने पकड़ा, ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा कंट्रोल का खाद्यान्न। रात 10 बजे लुकवासा पुलिस को सूचना मिली कि अटरूनी सेल्समैन द्वारा गरीब किसानों का माल बेचने जा रहा है। तभी लुकवासा चौकी प्रभारी ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित माल पकड़ लिया, जिसमें गेहूं, चावल और ट्रॉली में खुले भरे हुए थे, जिसमें कुछ सरकारी कट्टे भी है। एसडीओपी अमरनाथ वर्मा के निर्देशन में चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह सेंगर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस चौकी पर लेकर आए। रात में जी आज क्या मामला हुआ है, जी घटना हुई है ट्रैक्टर पकड़ने की, क्या माल भरा हुआ था, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि हमारे उचित मूल्य की दुकान थी ग्राम पंचायत अटनूर, उसमें हमारे सेल्समैन द्वारा कभी कभी हमारे लिए गेहूँ देता था, कभी आ देता था, कभी ये कहता आए नहीं। हमने उस पर नज़र रखी, नज़र रखने के बाद में माल आया तो माल ट्रैक्टर ट्रॉली से बेचने के लिए लुकवास आ रहा था। हमने 10 लोगों ने उसका पीछा किया, ग्रामीणों सब ने। कल रात्रि में हरगोविंद जाटव जो खरई का रहने वाला है, उसने सूचना दी थी कि साहब उसके और उसके साथियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो पंचायत अटरूनी वहाँ की जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उसके विक्रेता प्रवेश रघुवंशी द्वारा जो कंट्रोल का माल था वो यहाँ पर बेचने के लिए लाया गया था, तो इनके द्वारा उसको रोक लिया गया था। और इसके बाद पुलिस को ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली और जो उसमें खाद्यान्न भरा हुआ है, गेहूं है, चावल हैं और कुछ कट्टे हैं,